नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा जो 2022-23 उससे संबंधित मॉडल पेपर विभाग ने जारी कर दिया है। इसमें किस तरीके से कौन से प्रश्न होंगे, कितने नंबर प्रश्नों की होगी, कितना समय आपको मिलेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये हम देखने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 30 होगा, समय होगा वो आपका 3.25 घंटे होगा, पूर्णांक आपका 80 होने वाला है, ये आपके रो नंबर लिखने की जगह होगी। सामान्य निर्देश दिए हुए होंगे आपके लिए कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पे नामांक यानी रो नंबर अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, यूँ नहीं कि आप कहीं और लिख के छोड़ दें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं, अथवा वाले जो प्रश्न हैं उनके। प्रश्न पत्र के हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण में से आपको कोई त्रुटि लगती है तो हिंदी भाषा का जो प्रश्न होगा वही सही माना जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इससे पहले अपन इसकी जो ब्लूप्रिंट है, जिस ब्लूप्रिंट पे आधारित अपना पेपर होगा, उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र जो योजना है वो इस तरीके से रहेगी। कक्षा 10 विज्ञान विषय और घंटे होंगे 3.25 घंटे, पूर्णांक होगा 80। ज्ञान आधारित जो प्रश्न होंगे वो अपने 33 होंगे, अवबोध वाले 24 होंगे, अभिव्यक्ति वाले 11 होंगे, मौलिकता वाले जो प्रश्न होंगे वो 12 होंगे। टोटल अपने 80 मार्क्स के हो जाएंगे। इनको प्रतिशत में आप देख सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार और अंक भार होंगे वो इस तरीके से होंगे। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न एबसद वाले होंगे, एक 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 नंबर वाला, वो 18 प्रश्न होंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 होंगे, वो भी एक नंबर के होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 होंगे, इसके मार्क्स ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। विषय जो वस्तु है उसके अंक भार देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण 5 मार्क्स का होगा। अम्ल क्षार और लवण 6 नंबर का होगा। धातु या धातु 4 मार्क्स का होगा। कार्बन और उसके यौगिक हैं वो 6 मार्क्स का होगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं, 4 मार्क्स का होगा। जैव उपक्रम 7 मार्क्स का होगा। नियंत्रण और समन्वय 6। जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं वो 6 मार्क्स का होगा। अनुवांशिकता और जैव विकास 4। प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन 7। मानव नेत्र रंग बिरंगा जो संसार है वो 4। विद्युत 7। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 7। ऊर्जा के स्रोत 4। हमारा पर्यावरण 2 मार्क्स का। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 1 मार्क्स का। इस तरीके से अंक भार होगा। ब्लूप्रिंट इस तरीके से होगा। ब्लूप्रिंट पे आधारित जो अपना पेपर आएगा उसमें ब्लूप्रिंट होगा वो इस तरीके से होगा कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है उससे कौन से प्रकार के प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ आएंगे, लघुत्तरात्मक आएंगे या अति लघुत्तरात्मक आएंगे, इसको आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करें, आराम से पढ़ें, घबराएं नहीं, जल्दबाजी ना करें, आपकी हर समस्या को सोल्व किया जाएगा। ये आपके लिए निर्देश हमने देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ये आपके निबंधात्मक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। सेक्शन ए होगा, खंड ए होगा, इसमें आपके प्रश्न होंगे वो आप देख सकते हैं बड़े धैर्य के साथ। तो यहाँ आपके प्रश्न 12 प्रश्न होंगे जो एबसद ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न अपने रिक्त स्थान वाले साइंस में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से होंगे। खंड ब जो कि सेक्शन बी होगा
उसमें ये क्वेश्चन होंगे, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके, कार्बन के दो अपर रूप। इस तरीके से इनको आप देख सकते हैं। खंड सह जो कि सेक्शन सी है, इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का मतलब होता है थोड़ा उत्तर अपने को लंबा लिखना है, बड़ा लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इंग्लिश में इसकी परिभाषा बिल्कुल सही बैठ रही है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। खंड द में सेक्शन डी होगा, उसमें 21 से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। इसमें आपको अथवा मिलेगा, आंतरिक विकल्प जिसको बोलते हैं। तो आपको अगर ऊपर वाला अच्छे से आ रहा है तो उसको कर दें, जैसे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखो, लास्ट ईयर की तरह आपकी ये सोल्व करवाया जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जल्दबाजी ना करें। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखना है, खाने का सोडा होता है जिसको बैंकिंग सोडा कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के कोई दो अंतर लिखने, आप या तो ये कर सकते हैं। यह आपको तीनों क्वेश्चन सही से नहीं आ रहे तो इसमें नीचे वाले में सुमेलित करना है, इसको कर सकते हैं कि संतरे में कौन शामिल होता है, आंवले में कौन शामिल है, और नेटल का डंक है उसमें कौन शामिल आपको रिलीज होता है, इमली में कौन शामिल होता है। तो अगर ये अच्छे से आ रहा है तो ये बिल्कुल सरल है, इसको सिर्फ मिलान करना है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र दो उपयोग लिखने हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। तो नाइन्थ क्लास के जो बच्चे टेंथ में आते हैं, वो नए नए बच्चे होते हैं, बोर्ड का पहली बार सामना करते हैं, तो उनकी गाइडेंस के लिए ये लाया गया है, ताकि आप इसको हल करके किस तरीके का परीक्षा पैटर्न होगा, कौन सा अपना ब्लूप्रिंट है, किस इस ब्लूप्रिंट पे आधारित प्रश्नों को, और कहाँ अपना जो कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है, कितना कौन सा टॉपिक है वो अपना वीक है, उसको आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यही एक अपना उद्देश्य है, और आपकी मदद के लिए लास्ट ईयर भी एक्टिव थे, अगर आप चैनल पे एक्टिव हैं तो आपकी हर एक प्रकार की मदद की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक्स।